वहां पे एग्जैक्टली क्या सीन है मालूम नहीं। ड्रैग रेस, ड्रैग रेस, देखता हूँ आगे जाके क्या सीन है। अरे रे 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 रे, काहे नाही काहे नाही, ओ आग बीग नाही लागणार, डोंट वरी। पूरा निकल गया क्या? Jayesh and welcome back to our YouTube channel. So before starting the vlog, a very happy Dasera to all of you because it's 21st of October, Raj hai Dasera, but still we are on for a ride and Instagram pe sab update mein deta hu ki ride pe jaane ho, so follow nahi karte to follow kar do, baki it's 7:10 in the morning, we are all set to leave. अभी जस्ट ये लोग आए, बाकी इंट्रोडक्शन आगे करा था बिकॉज थोड़ा लेट हुआ है एंड जो लोग को नहीं मालूम वी आर गोइंग टू बारबी डैम, तो अभी निकलते हैं, बाकी आपको रूट पे बता दो क्या सीन है, तो लेट्स गो। ओके सो गाइस इट्स 7:10 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू लीव, सो यहाँ से एरोली से हम लोग को जाना है, तो वी हैव टू टेक राइट एंड मेरे को फ्यूल अप करना है बिकॉज मैंने फ्यूल अप नहीं किया है, आई मीन राजेश ने ला के दिया गाड़ी सुबह अभी जस्ट, तो फ्यूल अप नहीं हुआ है, तो पहले पेट्रोल भर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। मेरे को रोड मालूम है प्रॉपर, उनको रुकाने गया आगे। अच्छा, क्या? तो गाइस थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये वाला जो ब्रिज है ये चढ़ना नहीं था, पर वो दो लोग आगे चले गए जो मतलब फ्रेंड है हमारे, इंट्रोड्यूस करा था बाद में, तो हम लोग नीचे से आए और वो लोग ऊपर चले गए। थोड़ा सा इशू हो गया था, लाइक वो लोग ऊपर चले गए ब्रिज के और ब्रिज के नीचे से आना था, तो अभी वो लोग जस्ट आए एंड नाउ वी आर लीविंग। तो एज आई सेड मेरे को अभी पेट्रोल भरना है, तो पहले पेट्रोल भर लेता हूँ उसके बाद आपको वापस मिलता हूँ। भाई यहाँ पे पेट्रोल भरता हूँ राइट में। सेवन हंड्रेड अरे रे 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 रे, और कुछ इशू हो गया, लाइक इसका कूलेंट निकल गया है, सो तो अभी आई नीड टू वेट। काहे नाही काहे नाही, ओ आग बीग नाही लागणार, डोंट वरी। पूरा निकल गया क्या? नॉर्मल आहे मी सांगतो तुला, अरे नॉर्मल आहे, खूप नॉर्मल आहे, माझ्यासोबत कमीत कमी 5-6 वेळ झाले। ओके सो एट लास्ट पेट्रोल भर दिया, हालत एकदम टाइट हो गई थी जब वो कूलर निकला बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हैपनिंग विथ मी, मेरे साथ ऐसा हवाई के साथ भी कूलर का सीन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा लाइक डर लग गया कि क्या सीन है, बाकी कोई नहीं, लाइक वरुण बोल रहा था कि इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, चलो कोई नहीं अच्छी बात है, थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस मिला 390 के साथ। बाकी अभी निकलते पेट्रोल भर लिया, उधर 15 मिनट वेस्ट हुआ बिकॉज लाइट चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो थोड़ा सीन हो गया, अभी निकलते आपको सीधा मिलता हूँ रोड पे। एट लास्ट भाई 5-10 किलोमीटर में ऐसा लगा कि क्या क्या संघर्ष आ गया हमारी ज़िंदगी में, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे लाइन लगाना पड़ा, 15 मिनट चला गया, कूलेंट का इशू हो गया एंड वहाँ पे वो लोग ब्रिज चले गए, मतलब 10 किलोमीटर में दुनिया भर का प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ नॉर्मल थिंग ऑन राइड। तो अभी यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट एंड उसके बाद फिर सीधा जो लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना बदलापुर कोंडेश्वर, वही सेम रूट है, तो यहाँ से अभी हम लोग लेफ्ट लेंगे एंड उसके बाद फिर वहाँ पे से कुंभिवली कनेक्ट एंड वहाँ से स्ट्रेट। बाकी मेरे को एग्जैक्ट रूट नहीं मालूम बट मैं आपको अपडेट देता हूँ, बाकी आप राइड एंजॉय करो अभी।
ऑल राइट सो गाइस जस्ट क्रॉस वहाँ पे एंड अभी हम लोग को ये राइट लेना है टूवर्ड्स शिलपटा, फिर शिलपटा से सेम रूट लाइक कटाई नागा से राइट जो मेरे घर के तरफ से रोड जाता है बदलापुर वो तरफ जाना है। बाकी इंजॉइंग द राइड यार, बहुत मजा आ रहा है। दिस इज वेरी पावरफुल मशीन, दो तीन बार व्हीली हो गया एंड कंट्रोल में व्हीली हुआ, ऐसा अनएक्सपेक्टेड व्हीली नहीं हुआ। अभी यहाँ से राइट लेना है भाई लोग, राइट लेना है राइट। एंड इसका गियर रेशियो इज लाइक वेरी शॉर्ट, 10 बार मेरे को गियर डाउन करना पड़ रहा है, अप करना पड़ रहा है। बट दूसरे बाइक्स का मतलब कंपेरेटिवली हयोसोंग का बात करूँ तो मतलब अच्छा है, 10 बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता है, तो दैट्स अ गुड थिंग इन आवर हवाई। बाकी इसमें भाई कितने बार डाउन करना पड़ता है, मतलब चौथे गियर पे आपने 2-3 हज़ार RPM में चलाया ना, नहीं हो पाएगा, पर हयोसोंग पे वो पॉसिबल है। सो वही, और भाई मैं घाई घाई में अपना HD cam भूल गया हूँ, तो टाइम लैप्स अभी मोबाइल से एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लैप्स निकाल नहीं पाऊँगा, बट जो भी है मोबाइल से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी आई होप यू पीपल आर ऑल्सो एंजॉइंग द राइड, मज़ा आ रहा है भाई। संडे राइड आर ऑलवेज फन यार, बहुत मज़ा आ रहा है, मस्त एकदम। सुबह सुबह खाली रोड रहता है, गाड़ी अच्छे से चलाने मिलता है और एकदम फील भी लेने मिलता है एकदम फुर्सत में। पर एज अ ब्लॉगर टू बी फ्रैंक सीरियस बोलूँ तो भाई वो फील लेने नहीं मिलता है, बिकॉज वी कैन नॉट एंजॉय द राइड अप टू द मार्क। मतलब ध्यान ज़्यादा ब्लॉगिंग में देना पड़ता है कि क्या बात करना है या फिर क्या शो करना है, वो सब में माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो ब्लॉगिंग के चक्कर में ज़्यादा हम लोग राइड पर ध्यान नहीं दे पाते। मतलब चलाने में ध्यान दे पाते, बट वो जो फील आता है ना, वाइब आता है, वो वाइब पे हम लोग ध्यान नहीं पाते, ऐसा मेरा कहना है। तो वी आर एट शिलपटा नाउ एंड यहाँ से अभी सीधा निकलेंगे हम लोग कटाई नगा की ओर, फिर हम लोग राइट लेंगे, तो राइट लेने के बाद आपको वापस मिलता हूँ। ऑल राइट सो गाइस, अभी वी हैव टू टेक दिस राइट एंड यहाँ से फिर सीधा कुछ 27 या 30 किलोमीटर बता रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी, जब राइट स्टार्ट किया तो मैंने आपको किलोमीटर नहीं बताया। सो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से इट वॉज लाइक 72 या 73 किलोमीटर, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया लाइक 22 किलोमीटर, अभी मोर 38 किलोमीटर टू गो, देखते हैं। बिकॉज मैंने मैप नहीं लगाया, तहा भाई ने और लाइक वरुण ने मैप लगाया, तो लेट्स सी। एंड एज आई सेड गाइस, आई स्टे नियर बाय, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए सोचा कि पापा को फ़ोन करके बोलता हूँ कि HD cam नीचे ला के दो, यहाँ से फिर मतलब यहाँ से लेके सीधा चला जाता हूँ, बट फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नेटवर्क इशू है, तो इतना कुछ बड़ा इशू है, मोबाइल से तो टाइम लैप्स निकल जाएगा। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे सीधा सीधा गाइस, मज़ा आ रहा है बहुत। इट्स 7:50, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, तो यहाँ से 2 किलोमीटर का पैच में काम चालू है। एंड जो लोग को नहीं मालूम भाई, अपने स्कूल की ड्रीम बाइक थी ये, मेरे दिल में बहुत पहले से ये गाड़ी है, तो थैंक यू राजेश फॉर गिविंग दिस मशीन, इट्स अ वेरी पावरफुल मशीन यार, बहुत चलाने मज़ा आता है, बट ओनली पार्ट इज स्टेबल नहीं रहता है गाड़ी भाई हाई स्पीड में, तो लाइक वी नीड टू टेक केयर, ज़्यादा रेव करेंगे तो भाई कंट्रोल छूट जाता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हयोसोंग से इस पे आने के बाद कंट्रोल छूटता है, लिटरली कंट्रोल छूट रहा है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा रेव नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने एरोली हाईवे पे टच किया 155-156 समथिंग, बट तभी समझ गया भाई गाड़ी थोड़ा सा अपने को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ से मैंने तय कर लिया, ठान लिया कि भाई इज्जत में चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब टाइम मिल रहा है थोड़ा पावर व्हील ही मार रहे हैं। ओके सो यहाँ से लेफ्ट लेना है, लास्ट टाइम हम लोग जब भी गए थे कोंडेश्वर वी वेंट स्ट्रेट एंड उसके बाद राइट लिया था, बट ये टाइम यहाँ से लेफ्ट लेना है। बाकी भाई मज़ा आ रहा है एंड तकलीफ एक ही है कि इसका 10 बार गियर चेंज करना पड़ रहा है, जो कि मैं यूज टू नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ा इरिटेशन पार्ट लग रहा है। बाकी सब लोग से रूबरू करा तो आपको मैंने किसी से मिलाया नहीं, थोड़ा घाई था स्टार्टिंग में इसके लिए, और यहाँ से पहले कभी मैं मतलब आया नहीं ये रोड से लेफ्ट लेने के बाद, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को इतना मालूम है ये अंबरनाथ जाता है रोड, बट एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या सीन है। तो यहाँ से लेना है राइट, अरे यार सेकंड, तो यहाँ से अभी जाएंगे हम सीधा, अभी पूछ लेता हूँ कितना किलोमीटर बाकी है। डीजे भाई कितना किलोमीटर? 17। सो 17 किलोमीटर मोर फ्रॉम हियर, स्ट्रेट रोड है। ओके, यहाँ से अभी हम लोग को जाना है लेफ्ट, यहाँ पे पहले मैं आया हूँ, मेरा जो एक फ्रेंड है आकाश हेटे करके यहीं पे रहता है, कि वो भी राइडर ही है, ही इज़ हैविंग RS 200 CBR 150 एंड वो लोग का भी यहाँ पे ग्रुप है। मैं पहले यहाँ पे ना वीडियो शूट के लिए आता था अंबरनाथ में, सो आई नो दिस एरिया, यहाँ पे थोड़ा पहले घुमा था। हाँ यहाँ से लेफ्ट लेना है। ओके सो लेफ्ट फ्रॉम दिस साइड 15 किलोमीटर मोर, और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी रहता है स्वप्निल डोलारे करके, सो ये वीडियो नहीं देखेगा वो, शायद नहीं वो वीडियो देखता है, तो स्वप्निल जी वेलकम टू अंबरनाथ। यहाँ से लेना है हमको अभी राइट, क्या लिखा है, यशवंत योग 6 किलोमीटर। सो वी डोंट नो वेयर एग्जैक्टली वी आर, बट ये नाका है छोटा सा, सो यहाँ से भी स्ट्रेट जाना है, सो इफ समवन इज कमिंग राइट लेफ्ट ना लेते हुए सीधा निकलो। ओहो अचानक से सीधा जज्बात ही बदल गए,
आई थॉट की डेस्टिनेशन आ जाएंगे, बट उसके पहले ये वाला रोड वेयर वी आर रेविंग अवर मशीन्स एंड बहुत मजा आ रहा है। खाली रोड है बट वी आर अलर्ट कि कोई भी बीच में आ सकता है, लाइक एनिमल वेनिमल मस्त एकदम 90-100 पे चला रहे, ज्यादा स्पीड नहीं कर रहे हम लोग। मजा आता है यार, 390 का पावर इज आउट ऑफ बॉक्स यार, मतलब दूसरा 500 सीसी के अंदर आपको ऐसा कोई पागल मशीन मिलेगा ही नहीं, ना चाहते हुए भी विली हो जाता, ना चाहते हुए भी। लाइक फॉर एग्जांपल देखो अभी फर्स्ट गियर पे देखा, माँ कसम पागल है साली तू, इडी है क्या, धीरे चलना। शायद वी आर रीच्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी देखते हैं ये साइड क्या सीन है। ऑल राइट सो गाइस, यहाँ पे हम लोग रुके अभी खाने के लिए। एज आई सेड, ऊपर जाने से पहले सोचे कि हम लोग खा लेते, अभी मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा। बाकी यही पे आपको सबसे मिलाता हूँ, बिकॉज वरुण और साहिल को छोड़ के बाकी सब लोग लाइक ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और हम लोग मिल रहे भी फर्स्ट टाइम है। लाइक ताहा भाई और ये डीजे नवनीत भाई आपको मिले थे, हम लोग को मिले थे केलवा बीच राइड पे, तो आपको मिलाता हूँ। तो फर्स्ट अपने भाई सनी भाई इज राइडिंग डोमिनार वाइट वाला, वाइट वाला जो अपना थोड़ा सा मॉडिफाइड है वो वाला, और ये है अपने अक्षय भाई हु इज राइडिंग ग्रीन कलर का डोमिनार, एंड 19 वाला मॉडल है, एकदम मस्त डबल साइलेंसर वाला आवाज है। एंड ये है अपने कहा भाई प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर, आपने देखा होगा इंस्टा स्टोरी पे बहुत बार मैंने मेंशन किया है, बाकी अभी फोटोज भी डालूंगा, इनका भी इंस्टाग्राम लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो चेक करो। एंड ये लोग को तो आप जानते हो, साहिल और वरुण, ये लोग तो हर ब्लॉग में होते हैं। और ये है सैफ भाई, हाँ भाई बराबर बोला, बहुत टाइम से फेस फेस बोल रहा हूँ। तो सैफ भाई एज अ पिलियन डोमिनार पे है, एंड ये है डीजे नवनीत, एंड भाई का यूट्यूब चैनल भी है विद ऑलमोस्ट 16,000 सब्सक्राइबर, तो अगर नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, बाकी चैनल का इंट्रोडक्शन दे भाई, क्या सीन है चैनल पे? मेरा चैनल है म्यूजिक बेस्ड, ठीक है, म्यूजिक कैटेगरी है, उसमें मैं डीजे मिक्सिंग करता हूं बस। राइट, तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो चैनल चेकआउट करो, डीजे वाला एकदम ढचुक ढचुक वाला। एंड बाकी सबसे मिला दिया ना भाई, कोई बच्चा है? और वरुण भाई एंड साहिल मेरा भाई, थैंक यू फॉर, जो भी सिनेमैटिक शॉट देख रहे हो पीछे से यही शूट कर रहा है। एंड यहाँ पे अभी हम लोग ने ऑर्डर दिया है, क्या बोला था भाई? बोला है बुर्जीपा बोला है। एंड कितना यूनिक नाम है ना, था फर्स्ट टाइम सुना था मैं, दो बार पूछा भाई यही नाम है क्या, समझ में नहीं आता भाई। आप कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है, ताहा खान। एंड अभी इसके बाद वाला जो राइड होगा एकदम मजा आने वाला, महाबलेश्वर वाला राइड नेक्स्ट मंथ 6 तारीख को हम लोग का प्लान फिक्स हो रहा है फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, तो बाकी सब होपफुली आपको समझ ही जाएगा, प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर है पूरा वहाँ, तो अपना गांव का टूर कराएंगे। यस हाँ वो तो है भाई, अपना फुल वहाँ पे सेटअप है, सिर्फ जाना है और पेट्रोल भर के सिर्फ निकलना है, बाकी सब सेट है। अभी आपको खाने के बाद मिलता हूँ। महाबलेश्वर ऐसा कपड़ा है। ऑल राइट सो गाइस, इट्स 10:15 इन द मॉर्निंग, हम लोग ने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक घंटा का टाइम पास हो गया, मतलब फोटोज और खाना पीना, बाकी वो लोग लाइक नवनीत और सनी भाई आगे गए थे, मिसल पाव यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आगे गए थे। और वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई आ रहा है तो भाई नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, नेक्स्ट टू बोलते ना है ही नहीं, समझ जाओ है नहीं, कुछ फ़ोन भी नहीं लगेगा। अभी ऊपर डैम में जाएंगे तो देखते हैं क्या सीन है, तो अभी यहाँ से निकलते क्योंकि ज़्यादा व्लॉग बड़ा नहीं करना है, तो आपको 20 मिनट्स के अंदर सब बताना है, तो लेट्स गो सी यू ऑन बाइक। वो लोग को मालूम है क्या RS? हाँ ठीक है, क्या सीन? अभी हम लोग ऊपर जाते हैं बिकॉज जो मेन स्पॉट है यहीं पे डैम है ना भाई, तो ये तो बंद है अनफॉर्चुनेटली, कोई नहीं ऊपर देखते आगे अच्छा स्पॉट तो होगा, बिकॉज गांव साइड में भाई अच्छे अच्छे स्पॉट होते हैं,
ये तो मतलब ऐसा पर्टिकुलरली नाम से फेमस है, पर आगे अच्छा स्पॉट 101% होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से कहीं पे अंदर जाएंगे, यहाँ पे अभी देखा था एक और ऑफ रोड जगह था, तो वहाँ से अंदर जाना है, देखता हूँ आगे जाके क्या सीन है। पूरा तो जंगल दिख रहा है वैसे, ये तो पूरा एक्सपल्स वाला रोड है यार। ओके सो गाइज, आगे जाके मैंने देखा तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन है मालूम नहीं, जाएंगे आगे या नहीं रे? नहीं जाएंगे, तो यहीं पे हम लोग फोटो लेंगे। तहा भाई बोल रहे यहाँ पे अच्छा सीन है आगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लाइक गार्बेज है तो फोटो के लिए मचमच हो जाएगा, तो आगे देखते हैं फोटोज निकालेंगे। और प्लेस देखो, अभी थोड़ा सिनेमेटिक शॉट्स बता दो, उसके बाद फिर वहाँ पे जब फोटोज लूँगा तभी वापस। सो गाइज, आपको अभी बताया हम लोग आगे साइड पे थे, अभी थोड़ा पीछे आए, फोटोशूट चल रहा है एंड भाई बहुत एपिक लेवल का व्यू है। मतलब ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ ओपन व्यू नहीं है, लाइक जंगल टाइप है, बट फोटोशूट मस्त हो रहा है। तहा भाई जो हम लोग ये फोटो खींच रहे हैं एकदम लाइक प्रोफेशनली सिनेमेटोग्राफी का उन्होंने किया है, तो रुक जाओ मैं तहा भाई को बुलाता हूँ, इधर आओ इधर आओ। तो तहा भाई इज हियर, आपने राइडर गर्ल विशाखा का अभी रिसेंटली किया? रिसेंटली किया। हाँ, क्या मतलब क्या सीन था वो बता दो। कुछ नहीं, उसका कोलैबोरेशन था अपोलो टास्क का, तो मैंने वो इसके बाद उसने बोली कि फोटोज और वो चाहिए, तो उसके हम लोगों ने किए थे। राइट, तो अभी आपने रिसेंटली, एक महीना भी नहीं हुआ ना, 15-20 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ लाइक राइडर गर्ल विशाखा का जो ब्लॉगर है, लाइक लेडी ब्लॉगर, उनका टायर का कुछ प्रमोशन था, तो भाई ने वीडियो निकाला था। और कोई ब्लॉगर्स का ब्लॉगर बाहर का प्रोजेक्ट चलते रहता है, तो अगर कोई भी लाइक रिलेटेड टू सिनेमेटोग्राफी या फोटोज जो भी होगा ना, पोर्टफोलियो शूट भी तो होगा, सिनेमेटोग्राफर हमारे लाइक प्रोफेशनली हमारे तो फ्रेंड ही है खास, तो आप इनको अच्छे से फोटोज लेंगे हम लोग, फिर आप लोग इनके इंस्टाग्राम पे देख लेना। हाँ नो डाउट भाई, एकदम कड़क वाले मांगता है, मतलब पब्लिक बोलना ही मांगता है कि ताहा भाई का एकदम ताहा। तो प्रोफाइल लिंक दिया, चेक करो, और कुछ काम होगा तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। राइट, ओके डन। तो अभी हम लोग वही फोटोज निकाल रहे हैं और आगे जाके फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, तो तब तक आप यहाँ के सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो। ऑल राइट, सो इट्स टाइम टू लीव एंड तहा भाई वापस शूट करने वाले हैं पीछे बैठ के, अच्छा अच्छा जो सिनेमेटिक शॉट्स होंगे। एंड यहाँ तक गाइज वी हैव कवर्ड अराउंड 90 किलोमीटर्स, मतलब अप्रॉक्स 90 किलोमीटर। तो यहाँ से अभी हम लोग सीधा निकलेंगे वापस एंड देखते हैं, रास्ते में हम लोग को थोड़ा सा डिहाइड्रेट हुआ है तो पानी भी नहीं पी लेंगे, बाकी लेट्स गो, आपको आगे बताता हूँ क्या सीन है। रुक जाओ, तो यहाँ पे अभी हम लोग रुकते हैं, एक थंबनेल के लिए मस्त फोटो लेने का ट्राई करते हैं, अच्छा है तो ये रख देंगे, नहीं तो दूसरा तो अवेलेबल है ही, तो देखते हैं यहाँ पे फोटो निकलते हैं और फिर निकलते हैं। 1 hour later. ओके सो गाइज, वी आर एट डोंबिवली, ऑलमोस्ट डोंबिवली, लाइक 2 किलोमीटर बाद मेरा घर भी आ जाएगा लाइक कटाई नगर के, यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और राजेश से मेरा अभी जस्ट बात हुआ था, राजेश बोला कि कोई नहीं गाड़ी बाद में दे दे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू होम फर्स्ट, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद गाड़ी देने के लिए जोगेश्वरी जाता हूँ। एंड यू कैन सी ड्यूक को एक बार लास्ट देख लो, मे बी नेक्स्ट राइड से तो मेरे पास योसोंग ही होगी, हर एक राइड पे योसोंग होगी होपफुली। एंड यहाँ पे अभी हम लोग लास्ट बार मिल रहे हैं वरुण ता भाई, चलो टेक केयर, बाय बाय, चल अक्षय भाई सेफ ना, चल साहिल ये तो मेरे साथ ही आ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, क्या तड़पते हैं। ओके तो अभी यहाँ से जाता हूँ घर पे, एंड अपना सनी सनी जो था व्हाइट डोमिनर पे, ही टुक अ लेफ्ट फ्रॉम दैट साइड, सॉरी राइट लिया उसने, भिवंडी से जा रहा है स्टेशन वजई, तो वहाँ से वो जा रहा है, तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा घर पे। बाकी कोई नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, एंड मैंने ट्राई किया है कि वीडियो कम से कम टाइम में कवर करो, बिकॉज वीडियोस मेरे ज़्यादा लॉन्ग होते लाइक 30 मिनट्स 32 मिनट्स, तो होपफुली ये 18-20 मिनट में मैं कवर कर दूंगा। बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए
स्टे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। मिलते हो ऐसे कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा पेट्रोल भरने आए या मैच खेलने आए अपन? उभर आहे गाडी लाईन मध्ये लावायची, गाडी वरन उतरायचं है क्या कुछ? एंड है ना, ये है अपने प्रोफेशनल तो गाइज अनफॉर्चुनेटली राजेश नहीं आ सकता है बिहाइंड द सीन में बता दो, पर थैंक यू राजेश फॉर गिविंग दिस बाइक। आज बहुत टाइम बाद 390 चलाएंगे, बाकी नेक्स्ट राइड मिलते पक्का। बाय 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 बाय।